इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है वो अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीता है ऐसे में उसकी ज़िंदगी कितनी बेहतर है ये वो स्वयं ही जानता है बेशक हमारे लिए हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका बेहतर है लेकिन असल मायने में जिंदगी को सही तरीके से जीने का विज्ञान योग है इसी विषय में आज हम बातचीत करेंगे करो योग रहो निरोग इस विषय में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में योगाचार्य विपिन जोशी जी मौजूद हैं सर बहुत बहुत स्वागत आपका जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर हमारे स्टूडियो में योग करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे योग साधक अंकित कुंवर मौजूद हैं स्वागत आपका और इसी के साथ योग साधिका तन्वी ममगाई भी मौजूद है धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत आपका तो दर्शकों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मौके पर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं हम बात करेंगे योग कितना बेहतर है हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी जिंदगी के लिए योगाचार्य हमारे साथ मौजूद है चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर करते हैं योगाचार्य जी अगर हम आज की बात करें योग को हम एकता और बंधन कहते हैं ऐसे में से कैसे परिभाषित करेंगे हम योग को आ, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के सभी दर्शकों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ आज के बाजारवाद और उपभोक्तावाद के इस दौर में जब व्यक्ति कमाना तो सीख गया है लेकिन जी, जीना भूलता जा रहा है ऐसे समय में योग और भी प्रासंगिक हो जाता है जी योग का अर्थ जैसे कि सामान्य रूप से भी हम कहते हैं जोड़ जी बिल्कुल जोड़ना जोड़ना और इसको अगर थोड़ा और बेहतर तरीके से हम समझें जैसे मान लीजिए बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो अलग अलग विषयों में उनके नंबर आते हैं योग एक ग्रांड टोटल है यानी कि जीवन को समग्रता से जीने का एक तरीका है जी। यो तो हम संसार में जो आपाधापी है भौतिकता है हम बहुत जगह सुख शांति ढूंढते हैं हमें लगता है कि कहीं पे ग्लैमर में हमें सुख शांति मिलेगी जी कहीं पे दूसरी भौतिक चीजों पे मिलेगी लेकिन जो वास्तविक आनंद है वो योग और अध्यात्म के अंदर छुपा हुआ है क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजार साल शोध करके जो है इस विज्ञान को निकाला है जी। इसी का परिणाम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद जो है 170 से भी अधिक देशों में जो है ये योग दिवस मनाया जा रहा है और आपको ये जान करके खुशी होगी मुस्लिम देशों में भी जो है लोग बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े सिद्धत के साथ अनेक मुस्लिम देशों में भी योग दिवस मनाया बिल्कुल योगाचार्य जी योग को अब लोग अपनी हम कह सकते हैं दिनचर्या में शामिल करने लगे हैं ये हमारे लिए बहुत बेहतर है लेकिन अगर हम आजकल की बात करें इस युग की अगर हम बात करें जो वक्त अभी है हम इतने तनाव में रहते हैं हमारे पास वक्त नहीं होता हमारी जीवन शैली बहुत परिवर्तित हो गई है ऐसे में अगर आप बहुत तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं तो आप किस तरह के योग करेंगे देखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तनाव को दूर करने के लिए योग से अच्छा कोई उपाय नहीं है जी योग के द्वारा ही जो है हम तनाव तनाव से मुक्त रह सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं जी। हमारे जो योग यहाँ पे योग साधक हैं जो बच्चे हैं जी। कुछ आसन करेंगे अपनी जगह पे ये लोग खड़े हो जाएंगे आप देखेंगे किस तरीके से जैसे ताड़ासन है अब बच्चे ताड़ासन का प्रदर्शन करेंगे ताड़ासन के द्वारा जो है एक और जहाँ हमारे अंदर दृढ़ता आती है स्थिरता आती है और जो है हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है वहीं एक आ, उम्र तक जो है इससे लंबाई भी बढ़ती है जब बच्चों की लंबाई बढ़ने का समय होता है जिन बच्चों की लंबाई ठीक ढंग से नहीं बढ़ती है तो वो बढ़ती है धीरे धीरे वापस आ जाएंगे 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करना चाहिए आसन को और उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जा आ जाते हैं तो ये अभ्यास जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसके द्वारा हमें बहुत लाभ मिलता है क्योंकि ऋषि मुनियों ने हज़ारों हज़ार साल सोच करके इन आसनों को बनाया है अगला आसन हमारे जो बच्चे हैं ये वृक्षासन कर रहे हैं दृढ़ता के लिए स्थिरता के लिए और जो लोग बहुत जिनका शरीर भारी हो उनको इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए बिल्कुल और जिनको चक्कर आते हैं या कोई कोई को इस प्रकार की बीमारियां हैं उन्हें भी इन दोनों ही अभ्यासों को जो अभी हमने करा ताड़ासन और वृक्षासन हाँ इनको नहीं करना चाहिए और जो स्वस्थ लोग हैं और सामान्य रूप से जो कर सकते हैं वो इस अभ्यास को कर सकते हैं और इससे स्थिरता आती है दृढ़ता बढ़ती है और भी अनेक हमारा पूरा शरीर जो है सदृढ़ बनता है और पूरे शरीर में इसका प्रभाव पड़ता है धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और बहुत ही अच्छे ये अभ्यास है तो आज के दौर में जो है योगाभ्यास जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है बहुत से लोग जैसे मान लीजिए शिवरात्रि साल में एक बार आती है तो बिल्कुल योग शिवरात्रि में तो लोग कहते हैं जी साल भर अगर आपने पूजा नहीं की तो एक दिन की पूजा से जो है भगवान शिव के साल भर की पूजा का फल मिल जाएगा भगवान शिव देखिए संजो की बात है वो योग के आदि प्रवर्तक भी हैं उन्हीं ने योग को योग की रचना की है लेकिन यहाँ पे दूसरी बात है यहाँ सिर्फ एक दिन के योग करने से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है आज का दिन जो है संकल्प लेने का दिन है कि हम लोग पूरे साल भर योग करेंगे और जब हम योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं रोज योग करते हैं तो तब उसका जो है हमको लाभ मिल पाएगा बिल्कुल युवाचार्य जी हम यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें योग को प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में यहाँ पे शामिल करना होगा लेकिन आज का जो युग है आज की जो पीढ़ी है वो योग से कहीं दूर चली गई है हम कैसे उनको ये समझाएं कि आपको योग के साथ जुड़ना होगा देखिए इसके दोनों पहलू हैं जी नई पीढ़ी में बड़ा उत्साह और उल्लास भी है जी और क्योंकि हमें आशावादी होना चाहिए योग तो हमें आशावाद सिखाता है जी। आ, मैं देखता हूँ बड़ी संख्या में अब ये जो सामने बच्चे कर रहे हैं ये भी नई पीढ़ी के हैं और उसके अलावा आ, मैं देखता हूँ कहीं भी योग संस्थानों में जो है एक होड़ सी लगी हुई है कहीं जो है लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है पढ़ाई के लिए और जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है मनाया जाने लगा है और हमारे योगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है योग को प्रमोट करना शुरू किया है तो लोगों में एक योग के प्रति और आकर्षण जागरूकता भी कह सकते हैं कि एक योग के प्रति यहाँ पे जागरूकता भी बढ़ी है युवाचार्य जी अभी हमने बात की कि, कि आपको स्ट्रेस होता है स्थिरता के लिए आप कौन से आसन करेंगे अब हम क्योंकि हमारे साथ में योग साधक और साधिकाएं है, मौजूद हैं हम चाहेंगे कि आप किस इस तरह के योग हम करें जो अगर जैसे आपको कोई पेन हो रहा है कहीं दर्द अगर आपके शरीर में कहीं है तो उसके लिए किस तरह के योग हम करेंगे पहले बच्चों से आप लोग अब बैठी हुई अवस्था में आ जाए पहले दंडासन में आ जाए दंडासन में आप लोग आ जाएंगे दंडासन शिथिल दंडासन शिथिल दंडासन है पीछे इस तरीके से हाँ देखिए ये जो शिथिल दंडासन है ये बहुत अच्छा आसन है इसके द्वारा हम जो बैठे हुए आसन हैं इसमें विश्राम कर सकते हैं जी। और इससे जो है बहुत अच्छा लाभ मिलता है और कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से कर भी सकता है ये आ, जो है बैठे हुए आसनों में विश्राम का एक तरीका है अब इसके बाद हमारे जो बच्चे हैं ये धीरे धीरे जो है वज्रासन करेंगे वज्रासन देखिए किस तरीके से ये वज्रासन वज्रासन इकलौता ऐसा आसन है जिसको हम भोजन के बाद भी कर सकते हैं जी। अन्य सब आसनों में भोजन और आसन के बीच कम से कम जो है चार घंटे का फासला होना चाहिए जी। क्योंकि योगाभ्यास जो है खाली पेट किया जाता है तो इसको जो है हम भोजन करने के बाद नहीं कर पाते हैं लेकिन वज्रासन को भोजन के बाद भी करना चाहिए और इसके अलावा जो है वज्रासन को हम कभी भी कर सकते हैं और बहुत लाभ प्रदासन है जैसा कि नाम से स्पष्ट है वज्र बज, वज्र की तरह शरीर बन जाता है इससे सबसे बड़ा लाभ यह है कि हमारी पाचन क्रिया सुचारू रूप से होने लग जाती है स्थिरता बढ़ती है और शरीर स्वस्थ रहता है क्योंकि देखो जो भी रोगों की समस्या जो रोगों का शुभारंभ होता है वो पेट से ही शुरू होता है आपने देखा होगा पेट की समस्याएं शुरू होती हैं उसी के बाद जो है रोग आने शुरू रोग हो, हो जाते हैं पेट और वेट दो ऐसी चीजें हैं अगर इनको हम मैनेज कर लें इनको हम व्यवस्थित कर लें तो रोग होने की संभावना जो है

उसके लिए चाहिए लेकिन और फिर उसके साथ साथ ऐसा होता है हम जिस क्रम में योग कर रहे होते हैं उसी क्रम में उसको करना होता है जी, तो मैं जो इस समय संभव है इसके बाद घुटनों के बल आप लोग जी। आ जाएंगे और अर्ध उष्टासन हम लोग करेंगे दोनों हाथ पीछे पिंडियों में धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे थोड़ी देर होल्ड करेंगे ये अर्ध उष्ट्रासन है जी। ये भी बहुत अच्छा आसन है और इससे जो है पूरा हमारे पेट में भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है पूरे शरीर में इसका अच्छा हमें लाभ मिलता है कमर को भी इसका बहुत अच्छा लाभ है जी। और शरीर जो है इससे मजबूत होता है बलिष्ठ होता है धीरे धीरे वापस ये अर्धुष्टासन है इसके बाद इसी में हम उष्ट्रासन भी कर सकते हैं जी उष्टासन करेंगे धीरे धीरे इस तरीके से आप देखें ये बच्चे उष्टासन कर रहे हैं उष्टासन का भी लाभ है ये जो जितने भी हम योगाभ्यास कर रहे हैं इनसे जो है नई पीढ़ी को बहुत बड़ा लाभ है जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि जिम और योग में खेल में या पीटी में इसमें बहुत अंतर है जी। देखो कुछ ना करने से तो जिम जाना भी थोड़ा ठीक है वॉक करना भी अच्छा रहता है लेकिन जो समग्र जो एक्सरसाइज है जिम जी, के द्वारा खेल के द्वारा या वॉक के द्वारा सिर्फ बाहरी ऑर्गन्स की जो है एक्सरसाइज हो पाती है बाहरी अंगों की एक्सरसाइज हो पाती है लेकिन जो योग और प्राणायाम है इससे हमारे शरीर के हर सेल की एक्सरसाइज होती है जी, अंदर के भीतर के भी जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनकी भी एक्सरसाइज होती है तो इसलिए योग अपने आप में पूर्ण विज्ञान है और इससे जो है आज के इस युग में जब इतना प्रदूषण है और इतना जो है चारों तरफ वातावरण जो है दूषित है तो ऐसे समय में योग बहुत प्रासंगिक हो जाता है आप बच्चे कुछ प्राणायाम करेंगे जी। क्योंकि प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है जी। आज देखिए हम श्वास लेना भूल गए हैं श्वास लेना भूल गए हैं इसलिए तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं आपने देखा होगा प्राणायाम जैसा कि नाम से स्पष्ट है प्राणों को आयाम देना यानी प्राणों का विस्तार देना प्राणों को विस्तार देना आपने देखा होगा आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है लेकिन अभी तक भी हमारे मेडिकल साइंस के लोग ये नहीं जान पाए जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शरीर से निकलता क्या है जी शरीर तो वही रहता है यानी वो जो प्राण तत्व है उस प्राण तत्व के द्वारा आपने देखा होगा हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो बहुत दीर्घजीवी हुआ करते थे उनकी उम्र जो है हजारों हजारों सालों तक हुआ करती थी स्वस्थ रहते थे बहुत ज़्यादा उम्र में भी अगर हम मान लीजिए हजार साल का आंकड़ा ना भी माने एक औसत आयु सौ वर्ष तो मानी ही जाती है तो अस्सी या सौ वर्ष के बीच की जो औसत आयु है इस आयु में भी हम कैसे स्वस्थ रहें कैसे मस्त रहें कैसे व्यस्त रहें उसके लिए जो है हमारे ऋषि मुनियों ने ये जीवन जीने की एक आदर्श पद्धति योग विज्ञान के रूप में हमें दी है और बहुत महत्वपूर्ण ये पद्धति है अब कुछ प्राणायामों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जैसे हमारे जो बच्चे हैं योग साधक हैं ये लोग आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे सबसे पहले जो है हम कपाल भाती प्राणायाम करेंगे जैसा अभी आपने कहा एक वेट एक आज मोटापा जो है एक बहुत, बहुत बड़ी, बड़ी समस्या बन समस्या बनी है तो उस मोटापे को कम करने के लिए जो अतिरिक्त फैट हमारे पेट में जो चर्बी जमा हो जाती है उसके लिए ये जो है एक रामबाण प्राणायाम है इसमें खाली श्वास को बाहर छोड़ना है जैसे जब हम खांसते हैं इस तरीके से जो है पेट में अंदर धक्का देना है श्वास लेना नहीं है जो श्वास की जरूरत होती है वो अपने आप आ जाता है तो ये जो कपाल प्राणायाम है इससे जैसे आज

चेहरे की जो रौनक है वो प्राकृतिक तो होगी। गई प्राकृतिक रूप से जो आर्टिफिशियल मेकअप है आपने देखा होगा थोड़ी देर में एक डेढ़ घंटे में जो है वो समाप्त हो जाएगा लेकिन इसमें 24 घंटे जो है व्यक्ति तरोताजा बना रहेगा तो ये कपाल प्राणायाम से बहुत लाभ है और इससे एक चीज और बताऊं जो हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना जो हार्मोन्स सही ढंग से श्राव नहीं हो पाते हैं आपने देखा होगा अधिकांश जो बीमारियां हैं वो हारमोन सही ढंग से श्राव ना होने के कारण होती है चाहे वो मधुमेह हो चाहे वो महिलाओं से संबंधित जो कई समस्याएं हैं कई महिलाओं की संतान नहीं हो पाती है कई लोग माता बहनों को जो है मासिक धर्म के समय में उन्हें बहुत समस्याएं आती है तो अगर वो रेगुलर जो है इस प्राणायाम को करती है तो उनको भी लाभ होता है और उसके अलावा जो है इस प्राणायाम के बहुत ज्यादा लाभ है क्योंकि हमारे पास कम समय है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं तो ये हमने जो है इसको करने का सही समय और कितने वक्त के लिए हमें हाँ, करना चाहिए समय एक तो समय जो है कम से कम पांच मिनट जी और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है जितना हम हमारे पास समय है और जितनी जितना हमारा अभ्यास हो जाता है हमारा सावधानियाँ कुछ सावधानियां हैं जिनकी तुरंत सर्जरी हुई है जी। आ, उन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए माता बहनों को जो है जब गर्भावस्था के दौरान और मासिक धर्म के दौरान इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए जी। और आ, उसके अलावा जो स्वस्थ लोग हैं वो लगातार इस अभ्यास को कर सकते हैं इस प्राणायाम को कर सकते हैं इसके बाद एक अगला हम और महत्वपूर्ण प्राणायाम करेंगे जी। जिसे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं देखो जो बाहरी शरीर है इसकी सफाई तो जो है हम लोग प्रतिदिन करते रहते हैं स्नान के द्वारा कर, कर, लेते, लेते हैं।, हैं, कपड़ों की सफाई हम कपड़े धो के कर सकते हैं लेकिन अंदर की नस नाड़ियां कैसे उनका शोधन होगा जी, उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक विज्ञान बनाया हुआ है इसमें पहले हम जो है बाई नासिका से श्वास अंदर लेते हैं फिर दाई नासिका से उसे छोड़ते हैं फिर दाई नासिका से श्वास भीतर लेते हैं और बाई नासिका से श्वास को बाहर छोड़ते हैं एक चक्र इतने में पूरा होता है और कम से कम नौ चक्र जो है हमको करने चाहिए और अधिकतम जितना हम करेंगे पाँच मिनट से लेकर के दस पंद्रह मिनट तक इसका अभ्यास करना बहुत लाभप्रद होता है इससे स्ट्रेस खत्म होता है जी। और शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन उक, जाती है और व्यक्ति जो है उसका पूरा रक्त का शोधन हो जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है इस प्राणायाम के द्वारा जो है आ, हमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है बीपी नॉर्मल होने लगता है जिनका हाई है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है लोगों की धीरे धीरे लगातार अभ्यास के द्वारा दवाएं भी छूट जाती है, और जिनका लो है उनका भी जो है है नॉर्मल होने लगता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है इसको... जी, जी अपने बीपी की बात की अगर हम बात करें आजकल कर जो प्रचलित बीमारियां एक बीपी और शुगर जी शुगर के लिए क्या कोई योग है देखिये निश्चित रूप से चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो ये दोनों ही लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं क्योंकि आज जो अनियमित हमारी दिनचर्या हो गई है अनियमित खानपान और शारीरिक सारी श्रम का ना करना ये इसके पीछे ज्यादा कारण है आपने शुगर के लिए आ, कहा है कि कोई यो, आ, योग है तो एक हम मंडुक आसन करेंगे हमारे बच्चे जो है एक बार पुनः वज्रासन में आ जाएंगे जी दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरीके से कर लेंगे और नाभि के दोनों तरफ लगाएं पूरा श्वास भीतर लें फिर श्वास को बाहर छोड़ दें पूरा श्वास पहले भीतर लें फिर छोड़ दें फिर धीरे धीरे आगे झुकें इससे जो है बहुत लाभ मिलता है और पेनक्रियाज हमारा जो है सक्रिय होता है उसमें फिर इंसुलिन बनने लगता है और थोड़ी देर होल्ड करें धीरे धीरे वापस तो जब इंसुलिन पुनः बनने लगता है तो धीरे धीरे हमारा जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल होने लगता है एक बार फिर से इसको करेंगे धीरे धीरे वापस शुगर के लिए बहुत प्रभावी आसन मधुमेह रोगियों के लिए एक बहुत अच्छा आसन नियमित रूप से इसे करना चाहिए इससे पेट की अतिरिक्त चर्बी भी कम होती है धीरे धीरे वापस जी कह सकते हैं कि मधुमेह अपने आप में एक रोगों का घर है जिसको शुगर की बीमारी हो गई उसको फिर रोग पकड़ते ही चले जाते हैं जिंदगी होती है बहुत बेहतर नहीं रह पाती तो इसमें बहुत आवश्यक हो आ, जाता है कि हमने इस तरह का योग यहाँ पे करके जी, दिखाया है ऐसा है अगर शुगर है जी और उसको आप नियंत्रण में रख सकते हो जी आप रोज मॉर्निंग वॉक करने जाए जी भोजन खान पान में नियंत्रण रखें योगाभ्यास करें तो एक शुगर का रोगी भी जो है एकदम नियमित जीवन व्यतीत कर सकता है समस्या कब आती है जब हम लोग जो है बीमारी भी है और उसके बाद हम किसी तरीके से उसका परहेज नहीं कर रहे हैं और अलग तनाव अलग ले लेते हैं तो फिर वो बीमारी बढ़ते जाती है फिर तब उसके द्वारा अन्य जो चाहे वो किडनी संबंधी समस्या हो चाहे हृदय संबंधी समस्याएं हो या अन्य जो भी समस्याएं आनी शुरू होती हैं वो तब आती है अगर एक सही उम्र में अगर शुगर होने के बाद जो है आप उसका नियंत्रण करना शुरू कर दें खान पान में अपना सही कंट्रोल रखें और जिसको दवाई लेने की ज़रूरत है वो दवाई लेते रहे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है युकेचार्य जी अक्सर हम देखें आज की दिनचर्या में अगर हम देखें एक एज के बाद हमने भी बात की कि पेन होने लग जाता है बुजुर्गों में हम बात करें तो पैरों में दर्द रहने लग जाता है तो क्या उस स्थिति में आप कोई योग कर सकते हैं जिनसे आपकी जो ज़िंदगी बेहतर हो सके देखिए जब पैर जैसा आपने कहा पैरों में दर्द है घुटनों में दर्द है उस समय जो पैरों से संबंधित जो कठिन योगाभ्यास है वो नहीं किए जा सकते जी, बिल्कुल और क्योंकि योग का अर्थ ही है स्थिर सुखम आसनम कहा गया स्थिरता से करना है सुखपूर्वक करना है किसी भी प्रकार का जो है हमारे पैरों में या शरीर में कहीं भी कोई तनाव खिंचाव जोर जबरदस्ती नहीं है जितना भी संभव है मैं आपको बताऊं अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करते हैं जी, तो उससे कही न कहीं ना कहीं देखिए एक तो नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं जब हम योगाभ्यास करते हैं ए, रोगों का एक कारण नकारात्मक विचार भी होता है आधा काम औषधि करती है आधा काम जो है जब अंदर की पावर है आत्मबल है, है वो करते हैं तो योग हमारे आत्मबल को भी बढ़ाता है तो आत्मबल अगर मजबूत है तो उसका बहुत लाभ मिलता है जी बिल्कुल तो यहाँ पे योग जो है हमारे आत्मबल को भी यहाँ पर बढ़ा रहा है अगर हम बात करें एक आध्यात्मिक लाभ की योग हमें शारीरिक मानसिक के साथ आध्यात्मिक लाभ भी पहुंचाता है वो किस तरह से है निश्चित रूप से योग के द्वारा जो है हमारी जो सुप्त शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती है हमारी क्षमता बढ़ जाती है योग कर्म सु कौशलम हमारे वहाँ कहा गया है योग हमारे कर्मों में कुशलता ले आता है आप देखेंगे एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के एक योगी व्यक्ति में कितना अंतर है मैं उदाहरण बताऊं क्योंकि मुझे ये कहने में संकोच नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री एक योगी भी हैं वो नित्य एक घंटा योगाभ्यास करते हैं तो आप उनकी कार्य करने की जो पद्धति है आपने देखा होगा कि किस प्रकार दिन भर बहुत कठिन काम करने के बाद भी शाम तक तरोताजा रहते हैं और अभी आपने देखा होगा मैं एक बात यहाँ पे और बता दूं उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि इस बार प्रधानमंत्री जी जो है केदारनाथ में गुफा में उन्होंने जो ध्यान किया तो उस ध्यान को अगर उत्तराखंड सरकार सही ढंग से इसकी ब्रांडिंग करे और यहाँ के गांवों को योग और आयुर्वेद ग्राम के रूप में विकसित किया जाए और यहाँ के गाँव में जो है योग केंद्र खोले जाए आयुर्वेद केंद्र खोले जाए और पूरी दुनिया जो आज रोगों से ग्रसित है जो अशांत है जो स्ट्रेस में है जो परेशानियों में है उन लोगों को इन गाँवों में आमंत्रित किया जाए तो इससे एक तो उत्तराखंड का हमारा पलायन रुकेगा और दूसरी ओर पूरी दुनिया को जो है स्वास्थ्य मिलेगा तो मैं आज दूरदर्शन के माध्यम से अपनी उत्तराखंड सरकार से अपनी केंद्र सरकार से एक ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप देवभूमि को योग भूमि के रूप में भी विकसित करें जो ये आध्यात्मिक भूमि के रूप में तो इसकी ख्याति है ही है लेकिन इसको पूरे उत्तराखंड को अगर एक योग और आयुर्वेद के हब के रूप में विकसित किया जाए जो योग और आयुर्वेद सिर्फ हरिद्वार और ऋषिकेश तक सीमित है इसको क्योंकि उत्तराखंड के ऊपर यहाँ के तो कण कण में जो है ऐसा वातावरण है वहां पर स्वतः ही ध्यान लगने लग जाता है वहां पर इतनी शुद्धता है इतनी पावनता है इतनी निर्मलता है कि हम लोग अगर इस देवभूमि का सही सदुपयोग करें तो जो है साथ योग साधक और योग साधिका आपको ये बहुत 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 तो बिल्कुल यहाँ पर हमने योग करके दिखाया किस तरीके से आप तनाव मुक्त जिंदगी यहाँ पर जी सकते हैं और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं करो योग रहो निरोग बहुत आवश्यक हो जाता है क्योंकि एक बेहतर जिंदगी के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए और एक बेहतर कल के लिए आवश्यक है कि आप योग को अपनाएं नमस्कार